अगर आपके पास Realme Narzo N60 मोबाइल है तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इस फोन में आप फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट वगैरह कैसे हाइड कर सकते हैं बिना किसी एप्लीकेशन डाउनलोड किए हुए। बहुत ही सिक्योर तरीका आपको मिलता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपके फ़ोन में एक ऐप मिलती है, प्री इंस्टॉल्ड होती है, वो ऐप है गूगल की फाइल्स। तो आपको देखना है, देखिए गूगल की फाइल्स यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है और ये आपकी जो अलाउ पे क्लिक करने के बाद जो फाइल्स है वो एक्टिवेट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए डाउनलोड इमेज वीडियो ऑडियो डॉक्यूमेंट ऐप्स सब कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो मान लीजिए हमें कोई फोटो है जो हाइड करनी है, अभी हम यहाँ पर इमेज पर क्लिक करेंगे और ये देखिए ये इमेज हमको दिख रही है। तो यहाँ इसको हम लॉन्ग प्रेस करेंगे, उसके बाद देखेंगे तो आपको राइट पर यहाँ पर तीन डॉट दिखाई देंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ मूव टू सेव फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अब ये बोल रहा है कि आप यहाँ पर पिन या पैटर्न कोई पासवर्ड अपना बना लीजिए, तो हम यहाँ पर देखिए पैटर्न बना लेते हैं। पैटर्न बनाने के लिए आपको कोई भी पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ कर देना है, तो यहाँ पर देखिए हमने पैटर्न ड्रॉ कर दिया। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और कंफर्म पैटर्न पे क्लिक करके कंफर्म कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और गॉट इट पे क्लिक कर देंगे। देखिए वो फोटो जो है वो यहाँ से गायब हो चुकी है, अब आपको इस फाइल्स में या गैलरी में आपको वो फोटो नहीं दिखाई देगी। अब आपको देखेंगे कैसे वो वाली जो आपने जो कुछ भी हाइड करेंगे उसे देखना कैसे है, तो आपको फिर से यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना जो फाइल्स है उसे ओपन करना है। देखिए हम फाइल्स को ओपन करते हैं, यहाँ पर एक नीचे मिलता है ऑप्शन सेव फोल्डर, तो सेव फोल्डर पर क्लिक करना है और जो आपने पैटर्न ड्रॉ किया था वो पैटर्न ड्रॉ करेंगे। उसके बाद देखिए ये फोटो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो इस तरीके से आप जो हाइड किया हुआ अपना डाटा है वो यहाँ पर देख सकते हैं।